मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होंगे, माना जा रहा है कि नवंबर के अंत तक ये चुनाव होंगे। उसके बाद है साल 2024 जिसमें है लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव की गर्माहट भी मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में दिखाई सुनाई देने लगी है। बात कर रहे हैं हम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुना से सांसद केपी यादव की। दोनों ही बीजेपी के हैं, लेकिन आजकल दोनों की रार आमने सामने दिखाई दे रही है। पूरा मामला विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। ग्वालियर चंबल अंचल का वो दौरा कर रहे हैं। पहले वो गुना पहुंचे, शिवपुरी पहुंचे, अशोकनगर पहुंचे। यहां पर दो बातें खास तौर पर सिंधिया कहते नजर आए। एक ये कि जनता से उन्होंने कहा कि उन्हें जनता की याद आती है गुना में और अशोकनगर में, सिंधिया ये कहते दिखाई दिए। वहीं शिवपुरी में हाथ जोड़कर जनता से माफी मांगते हुए सिंधिया दिखाई दिए। इस पर अब केपी यादव की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। आपको बता दें केपी यादव जो है वो मुखर होकर सिंधिया के बारे में अब बोलने लगे हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया ने यादव समुदाय का एक सम्मेलन कराया था जिसमें सिंधिया मौजूद थे। यहां पर केपी यादव को नहीं बुलाया गया, जिस पर अपनी नाराजगी या फिर यूं कहें कि जो नेग्लिजेंस केपी यादव ने सहा है उसका दुख केपी यादव का सामने आ गया। केपी यादव ने कहा कि मेरे ही समुदाय के कार्यक्रम में मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे इससे ठेस पहुंची है। इतना ही नहीं, एमपी तक से एक्सक्लूसिव बात करते हुए केपी यादव ने सिंधिया समर्थित विधायकों के ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए। केपी यादव ने कहा कि सिंधिया समर्थित जो विधायक हैं वो बीजेपी में तो आ गए हैं लेकिन उनका दिल आज भी कांग्रेस के लिए धड़कता है। वहीं सिंधिया ने जिस तरीके से शिवपुरी में माफी मांगी उस बात पर भी केपी यादव ने सिंधिया पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि माफी मांगने की क्या जरूरत है जब 2019 के चुनाव में बीजेपी से ही जो सांसद है वो चुना गया, यानी कि केपी यादव चुने गए हैं। अब आपको बता देते हैं कि आखिर केपी यादव और सिंधिया आमने सामने क्यों हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में केपी यादव को बीजेपी से टिकट मिला था गुना से सांसद का चुनाव लड़ने के लिए, जबकि सिंधिया उस वक्त कांग्रेस में थे और वो कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़े थे। लेकिन बाजी केपी यादव मार ले गए और सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 2020 में सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद से लगातार केपी यादव और सिंधिया आमने सामने दिखाई देते हैं। वही हाल फिलहाल में जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में एक्टिव हुए हैं, खासतौर पर ग्वालियर चंबल अंचल का जिस तरीके से सिंधिया दौरा कर रहे हैं, सम्मेलनों में वो पहुंच रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, उसने केपी यादव की परेशानी बढ़ा दी है। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव है, ऐसे में गुना की सीट पर दोनों ही यानी कि केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी दावेदारी ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक बड़ा सवाल ये है कि सिंधिया समर्थित कितने विधायकों को टिकट मिलेगा। इस पर भी केपी यादव सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से केपी यादव ने एमपी तक से एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा कि सिंधिया समर्थित विधायक भले ही बीजेपी में आ गए हों लेकिन उनका दिल आज भी कांग्रेस के लिए धड़कता है, ऐसे में बड़े सवाल सिंधिया समर्थित विधायकों पर भी केपी यादव उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में जो कि 2024 में होंगे उसमें टिकट किसको मिलेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल केपी यादव और सिंधिया दोनों ही गुना सीट से अपनी दावेदारी पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर सवाल खड़े करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि टिकट किसे मिलेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी के अंदर केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया की रार खुलकर सामने आने लगी है। एमपी तक स्पेशल के इस एपिसोड में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।